दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। फटाफट बात करते हैं क्योंकि आपके पास समय की बहुत कमी है। सर, अकाउंट्स का पेपर हो गया, जैसा गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जाने दो, भूल जाओ। अच्छा गया कोई बात नहीं, बुरा गया पेपर फाड़ दो। अपने को दोबारा वो क्वेश्चन और वो क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन अभी देखने की जरूरत नहीं है। अभी आपका पूरा फोकस सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट पेपर। जब लॉ खत्म हो जाएगा उसके बाद पूरा फोकस होना चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट पेपर। तो इस तरह से अपना फोकस रखिए। अब मैं आपको लॉ के बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, आखिरी तक ये वीडियो को सुन लेना क्योंकि आपको ऐसे ऐसे रिसोर्सेस मिलने वाले हैं जिससे आपका बहुत फायदा हो जाएगा। अगर आपने कहीं कम ज्यादा गलतियां की भी है तो सारे चैप्टर मैनेज हो जाएंगे। एक बार सुनना क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल करवा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। प्लीज मेरी बात सुनना, और लास्ट में अगर आपको ये सारी मेहनत पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ये लिंक को। सर, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक समरी दिखाता हूं। ये समरी है जहां पे मैंने इकट्ठा कर रखा है कि क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ये जो समरी है, ये जो लिंक्स है सारे, ये आपको कहां पे मिलेंगे? ये आपको मेरे इंटर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कहां पे? इंटर का टेलीग्राम। मेरा मेन टेलीग्राम चैनल अलग है, इंटर का अलग है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। हालांकि ये सारे लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे इस वीडियो के। अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो सर, 1.5 डे का डिटेल रिविजन स्ट्रैटेजी, ये देखो, ये पूरी स्ट्रैटेजी है जहां पे मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से रिवीजन करेंगे। पूरा मिनट बाय मिनट प्लान बताया है जिसमें अभी 7 बजे से लेकर के शाम के रात के 11:15 बजे तक हम क्या करने वाले हैं। दो बहुत बड़े बड़े चैप्टर कंपनीज आकर रिवीजन करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे शाम को आकर के पढ़ने की कोशिश तो करते हैं पर जितना वो चाहते हैं उतना पढ़ नहीं पाते। ये बहुत नॉर्मल है। मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो प्रेशर में रह करके, या फिर कोई इतने लोग पढ़ते हुए दिखेंगे साथ में, तो आप साथ साथ में पढ़ के बहुत ज्यादा कोर्स खत्म कर लोगे। तो अपन 7 बजे से ये रिवीजन शुरू करने वाले हैं और अपन 11:30-12 बजे तक ये रिवीजन करेंगे, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। आगे पूरा शेड्यूल बना हुआ है एबीसी एनालिसिस को ध्यान रखते हुए और बाकी चीजों को ध्यान रखते हुए। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है जहां पे मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज रिविजन का पूरा लिंक दे दिया है। अगर आप ये देखेंगे, ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे चैप्टर को लाइन से अरेंज किया है मैंने, और उसके जितने भी रिवीजन है और जितने समय का रिवीजन है वो सारा लिंक यहां पे डाल दिया है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मेरे दो अलग अलग प्लेलिस्ट है। एक रैपिड रिवीजन का प्लेलिस्ट है और एक सुपर फास्ट रिवीजन। रैपिड रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। रैपिड रिवीजन थोड़ा रिलेटिवली स्लो है, और स्लो मतलब बिल्कुल भी ये मत सोचना कि स्लो है, मतलब रिलेटिवली स्लो है। और सुपर फास्ट रिवीजन 15 घंटे का है। जो चैप्टर आपको एकदम अच्छे से आता है उसके लिए आप सुपर फास्ट रिवीजन यूज कर सकते हैं। जो चैप्टर आपको थोड़ा धीमा धीमा आता है, हल्का हल्का आता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके लिए आप रैपिड रिवीजन यूज करिए। कौन से लिंक है और कितने घंटे का है वो पूरा मैंने यहां पर डाल दिया है। आपके अदर लॉ के लिए दोनों वीडियोस सेम है, अदर लॉ के लिए कुछ भी अलग अलग वीडियोस नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। सर, समरी नोट्स कहां पे मिलेगा? यहां पे लिंक लगा हुआ है। और क्वेश्चन बैंक कहां पे मिलेगा? ये लिंक लगा हुआ है। आपको समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक जो है वो दोनों वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएंगे। जाइए, लिंक में क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मैंने बना रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अभी भी अपना जनरल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बनाना बाकी है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बन जाएगा, और डिविडेंड का आई थिंक बाकी है, बाकी सारे बन गए हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दू, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है सर, ये वो क्वेश्चन है जो अगर आप देखोगे तो आपको या तो कॉन्सेप्ट अच्छा रिवीजन होगा, या फिर वो ये वो क्वेश्चन है जो अगर आप नहीं देख के जाओगे तो शायद एग्जाम में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जो है उसका पूरा लिस्ट है सर। तो आप पूरा समरी नोट्स कर लो, पूरे वीडियोस देख लो, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद जितने से क्वेश्चन कर लो, आपका 100% कवरेज हो जाएगा। सुपर 50 सेक्शन का भी लिंक है, वो भी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद एमसीक्यू बुकलेट जो है आपका, जिसमें इंडिविजुअल क्वेश्चंस है, जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने डाल दिए। अगर समय हो पाएगा तो केस सिनेरियो में से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और लास्ट में जो सिलेक्टेड चैप्टर्स के कुछ मैंने अभी तक ऑडियो रिवीजन रिकॉर्ड किए वो भी यहां पे डले हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो। इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, कहां मिलेगा सर? और आपको बैक टू बैक जो है आपको चीजें मिलते रहेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो फटाफट नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन से मेरे इंटर के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। आज और कल आपको टाइम टाइम पे सारी चीजें मिलते रहेंगी, और ये चैनल को पिन कर लेना ताकि आपका लॉ पेपर खत्म होने तक आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ना छूटे। तो सर, मिलते हैं फिर अभी 7 बजे। 7 बजे पूरा रिवीजन करेंगे, मेरे साथ बने रहना और मेरे साथ साथ पूरा रिवीजन खत्म कर लेना।
ठीक है गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू। इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट दैट प्लीज ये वीडियो जितने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हो, जो भी ग्रुप में डाल सकते हो, जो भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, प्लीज कर दो। आप लोगों के एक मैसेज करने से कितने स्टूडेंट का फायदा हो सकता है ये आपको नहीं पता। और हमेशा याद रखना, कर भला तो हो भला। तो गाइस डू मेक श्योर दैट यू शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स इन ऑल द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप दैट यू आर इन, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन दिस इज सी ए शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।